अरे मेरे बच्चे कहाँ चले गए? वो तो इतने छोटे हैं, खुद कहीं जा भी नहीं सकते। किसी ने मेरे बच्चों को देखा है क्या? उस मोटू को मजा चखाने का समय आ गया है। सुनो बहन, तुम्हारे बच्चों के साथ बहुत बुरा हुआ। मुझसे तो बताने की भी हिम्मत नहीं हो रही। क्या हुआ मेरे बच्चों के साथ? क्या हुआ बताइए ना। अपने मन को कड़ा करके मैं तुम्हें बताता हूँ। वो देखो, वो आदमी है ना, उसका नाम मोटू है। तुम्हारे बच्चे रो रहे थे तो वो गुस्से में आया और चिल्लाने लगा, यहाँ शोर मत मचाओ। और जब बच्चे रोने लगे तो वो उन्हें उठा के नदी में मैं नहीं बता सकता उसने क्या किया आगे। क्या कहा? मेरे बच्चों को नदी में? नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अरे मैंने क्या किया है? मुझे क्यों नोच रही हो? अरे मुझे क्यों नोच रही हो? छोड़ दो मुझे, मेरी गलती तो बता दो। अरे चिंगम सर, हेल्प, चिंगम सर, हेल्प। वाइफ हियर, वेयर चिंगम इज हियर। क्या हुआ जल्दी बताओ, क्या हुआ? क्या? से तुम्हारे घर पर इंतजार कर रहा था। अरे ये क्या हो गया, पूरे फटीचर बनकर आ रहे हो? कहां से आ रहे हो मोटू? कुछ मत पूछो पतलू, कुछ मत पूछो। अगर दरवाजे पर कोई हो तो भी मत खोलना। लो बच्चों, तुम सब दूध पी लो, लो। आपका पार्सल। इतनी देर क्यों लग गई? आधे घंटे पहले पार्सल आया था। जरूर तुम दोनों नीचे बैठकर गप मार रहे होंगे। हाँ, मैं सब जानती हूँ। नहीं नहीं मैडम, वो लिफ्ट खराब है, इसीलिए हम सीढ़ी से लेकर आए हैं। हाँ ठीक है ठीक है, नीचे रखो। मेरा पैर, मेरा पैर। क्या? मेरा पार्सल गिरा दिया। इतना नाजुक सामान था इसमें। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। तुम देख लेना, अगर मेरे सामान को कुछ भी नुकसान हुआ ना तो तुम्हारी सैलरी से कटवाऊंगी। भलाई का तो जमाना ही नहीं है, एक ग्लास पानी तक नहीं पूछा। पानी तो छोड़ो, थैंक यू तक नहीं बोला। जाने दो ना मोटू, अब जल्दी नीचे चलते हैं, गेट पर कोई नहीं है, चलो। गेट खाली छोड़कर कहाँ गए थे? सर, वो 10th फ्लोर वाली मैडम का पार्सल पहुँचाना था। पार्सल? उनका पर्सनल काम था, वो क्यों किया? अब जल्दी जाकर मेरे घर के गमले में पानी दो। पर सर, वो भी तो पर्सनल काम ही है। क्या कहा? पर्सनल काम है? मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। हो जाएगा सर। ये सर, मोटू मैं गमले में पानी डालकर आता हूँ। पता नहीं क्या करते हैं इन लोग। वॉचमैन, टाकी में पानी खत्म हो गया है, पानी चढ़ाओ। जी मैडम, अभी चढ़ाता हूँ। ये क्या कर रहे हो? कोई पानी ऐसे भरता है? सॉरी सर, मैं ऊपर तक पानी कैसे भेजूं? क्या हुआ सर? पतलो,
हो? सुबह से काम कर करके मैं थक चुका हूँ। बच्चों के साथ मैं भी एक दो बॉल खेल कर आता हूँ। ओके जा तो रहे हो और जल्दी से आ जाना। कौन है? अच्छा तो तुम हो। तुम दोनों यहाँ नौकरी करने आए हो कि क्रिकेट खेलने? मैं नहीं मैडम, मैंने नहीं, वो तो उस बच्चे ने। बच्चों पर अपनी गलती डाल रहे हो? ये शीशा अब तुम दोनों लगवाओगे। मैं तो मैं शीशा लेकर। अरे मम्मू तू कहाँ भाग रहे हो? क्यों भाग रहे हो? वाई 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 वाई। मोटरसाइकिल चलाते रहो चिंगम सर, सब बात मैं बताऊंगा। सॉरी चिंगम सर, आप इस आग को अरेस्ट कर लो, ये मेरे पीछे पड़ी है। आग को अरेस्ट करूंगा तो पूरा पुलिस स्टेशन जल जाएगा। बड़े भैया बचाओ, एक आग हमारे पीछे पड़ गई है, कहती है चला कर राख कर दूंगी, मिटा के खाक कर दूंगी। ओए मेरे भाई, मेरे यार मोटू, तुम्हारे साथ दुनिया के सब उल्टे सीधे काम क्यों होते हैं यारी? कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, तुम लोग मेरा ये फायर एक्सटिंग्विशर ले जाओ यारी, इसके एक स्प्रे से वो छोटी मोटी फ्लेम खुद ही रैक हो जाएगी यारी। थैंक यू, चलो मोटू आ जाओ, अब देखते हैं कौन किसे जला के राख करता है। ये ठंडी ठंडी क्या बला है? बचकर कहाँ जाओगी? अरे फ्लेम रानी, उस समय तुम्हारी होशियारी थी, अब हमारी बारी। ओए मोटे पतलू, तुम दोनों फिर से आफत को साथ ले आए। सॉरी बॉक्सर भैया। अरे भागते कहाँ हो? अरे अरे ये आग कैसे लग गई भैया? अरे अरे कोई बुझाओ इसे। अच्छा तो ये तुम दोनों की कारस्तानी थी। अरे लौट कर आओ फिर बताता हूँ। बुढ़ी बाबा, तुम दोनों हार मान कर वापस आ गए हो। डॉक्टर झटका, वो फ्लेम तो बहुत ही तेज दर्रार है, हमारा पूरा सिलेंडर खत्म हो गया पर उससे कुछ भी नहीं हुआ। ओए मेरे भाइयों, मेरे यारों, ये लो फायर प्रूफ जेल, इसके ऊपर किसी भी फायर का कोई असर नहीं होता है यारी। फ्लेम जब तुम्हारे बैठते कैसे है? मोटू चाय समोसा खाकर यहाँ से चलते हैं। चाय समोसा? पतलू ये चाय समोसा का मतलब क्या होता है? अरे पतलू ये क्या कह रहा है मोटू, इसको समोसे का मतलब नहीं पता। चाय वाले, डॉक्टर झटका की किसी दवाई का मोटू पर कुछ उल्टा असर हो गया है, इसीलिए मोटू बहुत सारे शब्दों का मतलब भूल गया है। हम बाद में आते हैं। ओके बस बस, आपके चेहरे का नूर बता रहा है कि आपके दिमाग में कोई तूफानी आइडिया ठक ठक कर रहा है। बिल्कुल सही अंदाजा लगाया है। नंबर वन, मोटू के बारे में मेरे दिमाग के किचन में एक नया नया टेस्टी आइडिया पक रहा है। मिस्टर मोटू, हेलो, आई एम डॉक्टर डिक्शनरी, मुझे अपने क्लाइंट से आपके दोस्त की बीमारी के बारे में पता चला है। मैं लोगों को शब्दों के मतलब सिखाता हूँ, इसलिए लोग मुझे डॉक्टर डिक्शनरी कहते हैं। मुझे आप जैसे डॉक्टर की ही जरूरत थी। आइए डॉक्टर डिक्शनरी, मेरा दोस्त कुछ भी समझ नहीं पा रहा है। डोंट वरी, आप बाहर जाइए प्लीज, मैं इनसे बात करता हूँ।
मिस्टर बोटो, आपका नाम क्या है? नाम? अरे नाम का क्या मतलब होता है? शुरुआत तो बहुत ही अच्छी है। ओके, बुरा का मतलब जो तुम्हारे बाल बिखेरे, सतरे, तुम्हें घूसे मारे, तुम्हें परेशान करे, मतलब बुरा होता है। अरे लेकिन ये देखा देखा, इसको कहते हैं बुरा। अच्छा, मतलब जो मेरा खराब करे वो बुरा है और वो दोस्त है। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब जो भी तुम्हारा दोस्त होगा वो तुम्हारा खराब करेगा। खराब? अब दुश्मन का मतलब समझो। दुश्मन? दुश्मन का मतलब क्या होता है? दुश्मन का मतलब है जो तुम्हें स्वादिष्ट खाना खिलाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब आज के लिए इतने शब्द सीखना काफी है, कल फिर मिलेंगे। ओके, मोटू, डॉक्टर डिक्शनरी से आज तुमने क्या क्या सीखा? वो मुझे बहुत सारे शब्दों का मतलब बता रहे थे, जैसे अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो।